मैं मेरे स्कूल जाता था, मैं उस लड़की को लाइक करता था, मैं किसी लड़की को पसंद नहीं किया करता था। कहीं आप ऐसे सेंटेंस में वॉज और हैड तो नहीं लगा रहे हैं? अगर आप ऐसा लगाते हैं या अगर आप पास्ट में हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं तो यह लेसन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का मतलब है किया करता था। मैं हूं डॉक्टर अभिलाष मोदी और आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर मोदी इंग्लिश ढाबा पर। सो फ्रेंड्स, यहां पर काफी सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। देखिए, वैसे सेंटेंसेस तो काफी सारे हो सकते हैं पर हम यहां पर समझ रहे हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आप यूज टू को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। यूज टू को समझने से पहले एक चीज जान लें, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश को पहले अपनी मातृभाषा हिंदी के अंदर सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप हिंदी सही ढंग से नहीं बना पाएंगे तो आप इंग्लिश भी सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट जो है यहां पर वो ये है कि आप किसी भी तरीके से इंग्लिश को सही ढंग से बना पाए। देखिए, अपन यहां पर बात कर रहे हैं यूज टू की। यूज टू का हिंदी मीनिंग होता है किया करता था। इसके मैं काफी सारे एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, मैं बहुत रोया करता था, मम्मी मुझे सुलाया करती थी, मैं मम्मी को परेशान किया करता था, पापा मुझे डांटा करते थे, मैं स्कूल के रेगुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करता था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम आराम से यूज टू के माध्यम से बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न इट हियर। यूज टू, यूज टू स्पेशली दो जगह पर लगता है, एक है पास्ट हैबिट्स और एक है पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज। पास्ट में मतलब भूतकाल में या जो चीज बीत गई है उसके अंदर हम जितने भी तरीके के सेंटेंसेस यूज में लेते हैं जिसके एंड में ते और थे ऐसा कुछ लगता है। जैसे मैं जाती थी, अगर कोई फीमेल बोल रही है मैं जाती थी, हम जाते थे, तुम जाते थे, हम समझते थे, मैं तुम्हें गलत समझता था, मैं तुम्हें अच्छा समझता था, मैं मुझे लगा पड़ता था, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर एंड में ते और थे आ रहा है तो आप बिना किसी प्रकार की शिकन के, बिना किसी प्रकार की प्रॉब्लम के और बिना किसी प्रकार के सोच के यूज टू यूज में ले सकते हैं। जैसे पास्ट हैबिट, मैं बचपन में अंगूठा चूसा करता था। हर एक बच्चा जो भी छोटा होता है वो अंगूठा चूसता है, तो मैं बचपन में अंगूठा चूसा करता था, ये बोल सकते हैं। मैं बचपन में सोया करता था, मैं मम्मी के पास सोया करता था, मम्मी मुझे दुलार किया करती थी, मम्मी मुझे प्यार किया करती थी। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको बनाने का एक ही पैटर्न है और इजीएस्ट पैटर्न है, वो है यूज टू के द्वारा। ये हो गई हमारी पास्ट हैबिट्स, पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज। जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करता था, हम स्कूल में इंग्लिश बोला करते थे, ये सारे पास रेगुलर एक्टिविटीज है। मैं कभी कभी बंक मारा करता था या मैं हमेशा बंक मारा करता था, ये एक रेगुलर एक्टिविटीज का पार्ट हो सकती है। तो देखिए, हम यहाँ पर समझने वाले हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर 6 से 7 ही बताने वाला हूँ। आपको जो घर पे प्रैक्टिस करनी है, जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं वहां पर आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर बताना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट, यूज्ड टू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, इसी कारण से मैं आपको इन चारों का मतलब बताने वाला हूं। सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट एंड आई, वी, यू, दे, ये सातों सब्जेक्ट्स होते हैं। ही का अर्थ होता है यह या वह, ये मेल के लिए यूज में आता है। शी मतलब होता है यह या वह, ये फीमेल के लिए यूज में आता है। कोई भी बच्ची जो 5 साल से बड़ी हो और वो कितने भी साल की एक लेडी हो उसके लिए हम शी यूज में ले सकते हैं। इट 3 जगह यूज में आता है, किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए हम किड्स के लिए यूज में ले सकते हैं इट को। एक हम उसको एनिमल के लिए यूज में ले सकते हैं, एनिमल्स जो हो सकते हैं जैसे स्क्वायरल है, हमने गिलहरी सुना है, गिलहरा नहीं सुना। तो इस तरीके का जो डिस्टिंग्विशमेंट या डिस्क्रिपेंसी इंग्लिश में बनी हुई है उसको रिमूव करने के लिए इट को यूज में लिया जाता है। इट जो यूज में आएगा, एक तो एनिमल्स के लिए यूज में आ सकता है, किड्स के लिए जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए यूज में आ सकता है, और एक और इट यूज में आ सकता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कुर्सी, टेबल, कैमरा, मार्कर, वॉच, इन सभी के लिए यूज में आने वाला है इट। इसके बाद में आई, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम, आप और मैं, हम, यू मतलब तुम या आप या तू, और लास्ट होता है दे, का होता है वे। जैसे सपोज कीजिए कोई फीमेल मुझे अगर देख रही है तो वह है शी और मैं हूं ही। ये कैमरा जो हमको दिखा रहा है या यहां तक मेरी आवाज वहां तक पहुंचा रहा है वो है इट। इसके बाद में है आई, आई मतलब मैं, वी मतलब हम दोनों, वी, यू मतलब सिर्फ आप। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूं यू आर गुड तो आप सिंगुलर है, यू पीपल आर गुड तो आप बहुत सारे भी लोग हो सकते हैं, यू आर इंडियन हो सकता है दो लोग हों,
और अगर मैं बोलूं यू आर इंडियंस, हो सकता है बहुत सारे लोग, यू आर इंडियन, आप सिंगल पर्सन हो सकते हैं, यू आर इंडियंस, आप हो सकता है 2 करोड़ लोगों, तो भी मैं यू आर इंडियंस बोल सकता हूं, तो दोनों के अंदर ही मैं यू यूज में ले रहा हूं। इसके बाद में दे, ना मैं ना आप, कोई अलग पर्सन है जिसे मैं इस तरीके से बोलूंगा, वे जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग, वहां पर मैं लगा सकता हूं दे। ये सारे होते हैं सब्जेक्ट्स। इसके बाद में है यूज्ड टू। यूज्ड टू अर्थ में पहले ही आपको बता चुका हूं, इसका मतलब होता है किया करता था, जाया करता था, सोया करता था। अब इसमें बिल्कुल प्लीज कंफ्यूज ना होने कि सिर्फ किया करता था ही आना जरूरी है। दो सेंटेंसेस हैं, अगर मैं कहता हूं मैं सोता था तो भी एक ही बात है, मैं सोया करता था तो भी एक ही बात है। हाँ, मैं सोया था वो एक अलग सेंटेंस है, उसको यूज में ना ले। और इसके बाद में है मैन वर्ब। मैन वर्ब होता है जिस भी किसी शब्द के एंड में ना लगता है हिंदी में, लाइक खाना पीना सोना जागना हंसना खेलना कूदना रोना सोना तोड़ना फोड़ना मरोड़ना, जितने भी एक्शंस के आगे ना लगता है वो सारी मैन वर्ब्स होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैन वर्ब्स भी पढ़ने वाले हैं, स्कॉल्ड डांटना, जंप कूदना, थिंक सोचना, सेल बेचना, लाइक पसंद करना, और शिवर धूझना। तो ये जितने भी हैं ये सारे हैं मैन वर्ब्स। आप मैन वर्ब मतलब समझ ले ना जिसके अंदर आ रहा है, जहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है। और लास्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे अगर मैं कह रहा हूं मैं धर्मशाला जाया करता था तो मुझे धर्मशाला की इंग्लिश आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसलिए मैं पाठशाला या स्कूल जाया करता था तो स्कूल की इंग्लिश ऑलरेडी पता है, वो स्कूल ही होती है या पाठशाला की इंग्लिश स्कूल होती है, और धर्मशाला की इंग्लिश इन होती है, आई एन एन इन। तो इस तरीके से हमको समझना है ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वोकैबुलरी हो सकती है, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए जो आपको मेनली सीखना है इंग्लिश में वो है ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं वोकैबुलरी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लर्निंग। देखिए पहले नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है फादर यूज्ड टू स्कॉल्ड मी इन चाइल्डहुड। आप चाइल्डहुड को बेबीहुड भी कह सकते हैं और फादर को की पेरेंट भी कह सकते हैं। फादर यूज्ड टू स्कॉल्ड मी इन चाइल्डहुड, फादर मतलब पापा मुझे बचपन में डांटा करते थे। फादर मतलब पापा, यूज टू मतलब किया करते थे, स्कॉल मतलब डांटना, ये मतलब मुझे और चाइल्ड मतलब पापा मुझे बचपन में डांटा करते थे। इसके बाद में है आई यूज टू जंप ऑन बेड, मैं बेड पर कूदा करता था। शी मतलब एक लड़की के लिए यूज में ले रहे हैं हम। शी यूज टू थिंक नेगेटिव, वह नकारात्मक सोचा करती थी, वो हर चीज के अंदर बुराई निकाला करती थी, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचा करती थी, तो शी यूज टू थिंक नेगेटिव। इसके बाद में है नमो यूज टू सेल टी, नरेंद्र मोदी हर एक इंसान जानता है नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। तो ये जो सेंटेंस है इसको भी हम इससे बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी यानी नमो यूज टू सेल टी, वो टी सेल किया करते थे, टी बेचा करते थे, चाय बेचा करते थे। सलमान यूज टू लाइक ऐश्वर्या, सलमान खान जो थे आप सभी लोगों ने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा कि सलमान खान जो है वो ऐश्वर्या को पसंद किया करते थे। तो सलमान खान यूज टू लाइक मतलब पसंद किया करते थे ऐश्वर्या। I used to shiver on stage. जब मैं छोटा था, जब मैं स्टार्टिंग में स्टेज पर आया करता था, अब तो मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है, पर शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा स्टेज पर धूझा करता था। I used to shiver on stage. तो गाइस आज के सेशन में हमने सीखा used to के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। यहाँ हर वो चीज जिसके एंड में किया करता था आ रहा है उसके सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। इन अवर नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ यूज्ड टू बी। इट वॉज डॉक्टर अभिलाष मोदी और डॉक्टर मोदी इंग्लिश ढाबा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।